हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सुबह का बजा है 8 और मुझे जाना है अभी दिखाने, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, होने हैं, होते हैं नहीं, कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं। टेस्ट वगैरह करा के फिर आपसे मिलते हैं। चलिए वापस आके आपसे मिलती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है और शायद वो 8:30 पे बैठ जाते हैं डॉक्टर जी। चलिए दिखा के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नीचे ब्लू ब्लू भी है, हमने अभी देखा ये चीज। देखो नीचे ऊपर ब्लैक है, नीचे ब्लू है। मेरा भी ऊपर ब्लैक है, नीचे ब्लू है। अभी हमने हो क्या है मंदिर, क्या आज सावन के पहला सोमवार। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और शाम हो चुकी है, शाम पर 5:30 हो चुका है, 5:30 बज गया है। सुबह मेरे कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे, उनकी रिपोर्ट मुझे मिली हुई थी 4 बजे। रिपोर्ट तो लगभग नॉर्मल आई है, एक टेस्ट भी कराएंगे एक हफ्ते बाद, बाकी ठीक है। पैर में भी अब आराम है, अब थोड़ा बहुत चलने के लिए बोला है, मगर ज़्यादा नहीं चल सकते, मगर थोड़ा बहुत चलने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, थोड़ा बहुत चल सकते हैं। मेडिसिन अभी चलती रहेंगी, करीब 3 महीने तक चलेंगी, 3 महीने कोर्स बोला उन्होंने, 3 महीने तक मेडिसिन में चलती रहेंगी। और प्लेटलेट्स डम थी वो भी कवर हो गई है, ब्लड जो था वो भी कवर है, मतलब काफ़ी आराम है पहले से। बुखार की वजह से प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई थी, उस वजह से वीकनेस बहुत थी, और पैर की हालत जो थी वो तो आपको दिखाई थी बहुत खराब थी। पैर के बिछाले काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, मगर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से भी बचे हुए हैं। इसलिए बोला है कि थोड़ा बहुत चल सकते हो, मगर ज़्यादा नहीं। बेड रेस्ट से छुट्टी मिल गई थी 15 दिन बाद, बेड रेस्ट बोला कि नहीं थोड़ा बहुत चल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, कि कहीं चल के जाना है या कहीं तो नहीं जा सकते, बाकी घर में नॉर्मली कर सकते हो। काम वाम ज़्यादा नहीं करने को बोला है कि अभी ज़्यादा काम नहीं करेंगे, एक टेस्ट और हो जाए उसके बाद फिर आप घर का काम वगैरह देख सकते हो। तो भाभी अभी हैं, घर का काम सारा भाभी देख रही हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे नहीं बन पा रहे, क्या करें, मन करता है रेसिपी शेयर करें कुछ करें, मगर अपने हाथ से उतना नहीं पड़ता, कोशिश ही बनाती है थोड़ा बहुत वो जितना। यहाँ पे बारिश होने लगी एकदम से, जो कि बंद भी हो चुकी है एकदम से। ये बारिश वो वाली बारिश है जो छत गीला करती है आके, बस सारी बारिश बंद, ये छत ही गीला किया वो भी अच्छे से। ये बारिश थी आज की। मम्मी लोग अंदर हैं, पर हाँ बारिश में फायदा होता है जो पेड़ होते हैं एकदम इनमें ग्रीन कलर आ जाता है, देखिए ग्रीन ग्रीन तो अच्छा लगता है देखने में। मैं तो बराबर का हो गया, मेरे से बड़ा हो गया। बाकी छुईमुई का पेड़ है हमारे यहाँ जो कि पूरा मुरझा चुका है, क्योंकि उस पर बारिश की बूंदें गिर गई, वो ऐसा पेड़ उसको कुछ भी रहता मुरझा चुके। एक्चुअली पापा जा रहे हैं दवा लेने, तो हम लोग भी आज सुबह चले गए थे मंदिर, गोकुलबाबा मंदिर यही पास में है, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। टीका अभी तक मेरे लगा हुआ है, अभी छूटा नहीं है, क्योंकि हम वहाँ से वापस आके सो गए थे, क्योंकि कल रात में क्या हुआ था कि हम लोग 12 बजे लेटे थे, लेटने के बाद जो एडिटिंग करनी थी वो हमने स्टार्ट करी 12:30 पे कुछ ऐसे ही। फिर जब हमने 12:30 पे स्टार्ट करी तो वो हमारी जो एडिटिंग थी वो ख़त्म हुई जाके 3 बजे रात में। तो उसके बाद नींद तो बहुत ज़ोर से आ रही थी, लेकिन 3 बजे फिर 3 बजे लेटे तो 3:30 तक नींद आई थी मेरे को। फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठ भी गए थे, 5 बजे उठ गए थे फिर, क्योंकि सब लोग यहाँ ऊपर उठ गए थे, फिर हम नीचे जाके दोबारा सो गए थे। फिर उठे 6 बजे, जल्दी तैयार हुए, तैयार व्यार होने के बाद फिर वहाँ गए, वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद हम लोग मतलब हम सो गए थे, मामी भी सो गई थी, मामी ने खैर खाना वाना बनाया उसके बाद सोई थी, लेकिन हम आते ही सो गए थे। तो अभी है शाम का टाइम और हम लोग बना रहे हैं चाय, तो चलिए दिखाते हैं चाय आपको, चाय में क्या दिखने वाला है ना, ये सब भी देख लो। आम लिए घुमा करती है पूरा दिन।
आज हमें चाय बहुत पकाएंगे कि मतलब टेस्ट अच्छा आ जाएगा, जितना चाय को अच्छे से वो करो बॉयल अच्छा अच्छा टेस्ट आ जाता है चाय का। हम मुझे पीने नहीं है, मतलब जो पिएगा वो बताएगा अच्छी बनी नहीं बनी है, खराब बनी कैसी बनी है। सो जैसा भी होगा देखा जाएगा अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, अच्छी बनेगी वैसे शायद ट्राई करेंगे अच्छी बनाने की। वैसे हम तो चाय नहीं अच्छी बनती है, चाय चाय अच्छी बना लेता है, तो कोशिश कर रहे हैं चाय अच्छी बनाने की। तो अभी यहाँ पर दादी जो है वो बना रही हैं बाबा के लिए दरिया गीली गीली, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मौसी बाहर बैठी हुई हैं कुछ काम कर रही हैं अपना, बाकी सब लोग बाहर बैठे हुए थे। ये हमारा शाम का खाना बन रहा है जो कि मामी बना रही, दादी कुछ लेके जा रही थी बाबा के लिए। क्या कर रहे हैं क्या क्या है अम्मी? अम्मी क्या कर रहे बताओ क्या है? हमको क्या हमको 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 है कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। खाना पीना हमारा हो चुका है क्योंकि आजकल खा नहीं रहता है, खाना पीना सारा बनाने का काम जो है भाभी का है। आज आपको बताया था कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, मगर अभी दवाइयाँ चलेंगी करीब 3 महीने तक दवाइयाँ जो है चलती रहेंगी। और तो बच्चों ने मेरे बर्थडे मेरा सेलिब्रेट किया था, कभी तो नहीं किया गया, अब बच्चे बड़े हो गए इनकी खुशियों के लिए चलो चलते करते हैं। तो उसी ने केक बनाया था है ना, अपने हाथ से तो उसी ने केक बनाया था और बिरयानी बनाई थी, चाउमीन बनाई थी, ढोकला बनाया था। शायद 3-4 बजे से शुरू किया था, मैं कई बार उधर गई किचन में, मगर लोगों ने मुझे भगा दिया कि तुम बाहर जाओ, यहाँ क्या करने आई हो, तुम क्यों चल रही हो, एकदम पूरा सरप्राइज रखा उस चीज को। खैर भगा दिया भगाया तो था भगा दिया था। चलिए आपको दिखाती हूँ, कल बर्थडे जो बनाया था इन लोगों ने कुछ गिफ्ट लिए थे मुझे, तो आपको ना दिखाऊंगे कैसे हो सकता है। चलिए आपको दिखाती हूँ इन लोगों ने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया था। तो एक ये चाहत ने दिया था कप, पता नहीं कैसे उसने सोच लिया गिफ्ट देना है और कप बनवाया, मुझे पता भी नहीं चला। एक ये उसने कप दिया था, देखिए इसमें फोटो लगी हुई है, एक हमारी और इनकी है, इसमें चाहत और मैं और इसमें हम दोनों लोग हैं। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे मॉम, हैप्पी बर्थडे मॉम, हाँ हैप्पी बर्थडे मॉम लिखा हुआ है। ये चाहत ने दिया है, कैसा लगा आपको बताइएगा। देखिए बहुत सुंदर, इतना सोचा यही बहुत है, बच्चे आजकल एक्सपर्ट हो गए हर चीज में, माँ बाप से आगे निकल गए बच्चे। और ये तोसी ने दिया है एक हैंड बैग, बड़ा क्यूट सा है, छोटू सा है ना, जींस वगैरह पहनो डालने में बड़ा अच्छा है, अच्छा लगेगा, कैसा लगा आपको बताइएगा। है छोटा मगर अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम
अलग सा कलर आएगा, आराम से मोबाइल वगैरह आ सकता है, मोबाइल है, हैंकी वगैरह रख लो, छोटा मोटा सामान रखने के लिए अच्छा है, नॉर्मली कहीं जाओ ना तो बहुत अच्छा है, लिपस्टिक रख लो, आईलाइनर आईलाइनर है सारी डाल लेना। कैसे मंगाया, ऑनलाइन मंगाया था? ऑनलाइन मंगाया इसने, इन सब लोगों ने ऑनलाइन काम किया चोरी चोरी, मुझे बता भी नहीं चला क्योंकि हम लेते ही थे। लेकिन ये कब ऑफलाइन था? ये बिरयानी ऑफलाइन थी। बिरयानी ऑफलाइन, एक एक पॉकेट है छोटी सी, कैसे लगी आपको बताइएगा। और एक ये दिया है चाहत ने फोटो फ्रेम, ये लोग अपने जो पॉकेट मनी जो जोड़ के रखते हैं ना उससे मंगा मंगा के लिया। ये देखा, ये दिया है चाहत ने फोटो फ्रेम, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत जल्दी मैं इसमें फोटो लगा के फिर आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को अच्छा लगा बताइएगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इतना बढ़िया करेंगे, मुझे लगा था किसी को याद ही नहीं होगा मेरा बर्थडे, क्योंकि ज्यादा सेलिब्रेट करते नहीं, कभी शुरुआत से घर में हुआ नहीं, बच्चे बड़े हो गए तो अपना करते हैं, वैसे ज्यादा कभी मनाया नहीं गया। और इन्होंने दी थी एक ये साड़ी, इन्होंने मुझे साड़ी मंगा के दी थी, अच्छी लग रही है, ये भी ऑनलाइन आई, ये भी ऑनलाइन मंगाई, ये देखिए कैसी लगी आपको बताइएगा, बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत हल्के कपड़े में है, एकदम सॉफ्ट, अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी आप भी बताइएगा मुझे, क्या आप लोगों को कैसी लगी साड़ी, छोटे से बर्थडे में गिफ्ट को मिल गए, और भाभी ने दिए थे पैसे है ना, भाभी ने पैसे दिए थे और सासू माँ ने भी पैसे दिए थे, वो लिफाफे ऊपर रखे हुए हैं, तो इतना मुझे गिफ्ट मिला, कैसा लगे आपको गिफ्ट ये सब मुझे बताइएगा, सारे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं, बच्चों ने इतनी खुशी से मंगाए, अपने पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के उससे मुझे गिफ्ट मंगा के दिए दोनों को, थैंक यू सो मच। चलिए आपको गिफ्ट कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप कोशिश करेंगे कि ब्लॉग डेली कंटिन्यू जो है अच्छे से कर सके, क्योंकि अभी तक चलने के लिए एकदम मना था, तो जब उतना ही नहीं है तो फिर ब्लॉग नहीं बन पाते थे, काम वगैरह सारा भाभी देख रही है, ये है कि कल से मैं थोड़ा बहुत इधर उधर करूंगी, रोजी करती है चाहे जितना मना करो जितना मना करो, मन करता है लेते लेते उठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उठते जाते कभी ऊपर गए नीचे है। चलिए ब्लॉग कैसा लगा और हमारे गिफ्ट कैसे लगे जरूर बताइएगा, बच्चों ने इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए, इसके लिए लाइक तो बनता है, लाइक करिएगा वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इसी साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।